कभी वो कहता था कि तुम मेरी जान हो, मेरे दिल का टुकड़ा हो, और आज हम अलग अलग हैं। तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक यही है, कब स्टार्टिंग में इतना ज्यादा प्यार होता है और कब वो तकरार में बदल जाता है। प्यार से लेकर तकरार तक का सफर, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे बीच में तकरार ना हो, रिश्ता बना रहे और काफी लंबे टाइम तक हम खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं कि प्यार कहाँ से स्टार्ट होता है, प्यार की शुरुआत कहाँ से होती है। एक लड़का और एक लड़की जब आपस में मिले और उन्हें प्यार हुआ तो उनके बीच में बातें होती, रोमांटिक बातें होती हैं, जैसे कि रोमांटिक बातें जैसे तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा, और भी बहुत सारी बातें। वो लोग रोमांटिक डेट्स प्लान करते हैं, घूमने जाते हैं, और वो लोग आपस में इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि वो लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और वो लोग शादी का फैसला करते हैं। फिर बात शादी तक पहुंचती है और शादी हो भी जाती है। फिर जब नई नई शादी होती है तो सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है, सब कुछ बिल्कुल फिल्मों की तरह होता है, रोमांटिक बातें होना, रोमांटिक मूवीज देखना, साथ में रात रात भर बातें करना, प्यार करना, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। फिर जैसे जैसे समय बीतता है वो प्यार थोड़ा सा कम होने लगता है, कम नहीं होता एक्चुअली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी सारी बढ़ जाती है कि सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि उसका टाइम थोड़ा सा वहां से कम होकर दूसरे जगह पर ट्रांसफर हो जाता है, तो उसे लगने लगता है कि ये प्यार कम हो रहा है। पर बात प्यार की नहीं, प्यार तो वही रहता है, लेकिन सामने वाले का नजरिया बदल जाता है। ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, पर हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो कब वो प्यार तकरार में बदल जाता है, ऐसी क्या नौबत आती है कि धीरे धीरे लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े तक ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसी नौबत नहीं आने दो कि रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि कई बार ना क्या होता है कि जब भी पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है ना, कपल्स के बीच में जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो गुस्सा आ ही जाता है, कभी ना कभी तो गुस्सा आ ही जाता है, और गुस्से में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी जाती है, जैसे कि मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता, या तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती तुमसे शादी करके की है, वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी जाती है कि जो सामने वाले के दिल को चुभ जाती है, बहुत बुरी तरह से वो हर्ट हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से कोई भी अगर इस तरीके की बातें करते हैं ना, तो वहां पर रिश्ता खत्म होने की नौबत आ जाती है, और कई बार ना रिश्ते खत्म हो भी जाते हैं। पर अगर बाईचांस रिश्ता नहीं भी खत्म होता है ना, तो वो बातें सामने वाले से भुलाए नहीं भूलती, वो हमेशा ना दिल में रखी रहती वो बातें। इसलिए अगर आपको गुस्सा भी आए ना, तो थोड़ा सोच समझ के बोलो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच कर बोलो, क्योंकि सामने वाला पराया नहीं है, वो आपका अपना है, आपको उसके साथ जिंदगी बितानी है। एक दो दिन का सफर नहीं है कि जो आपने कुछ भी बोला तो बाद में कुछ भी होता रहे, मेरे को लेना देना नहीं है, आपको जिंदगी भर उसके साथ रहना है। तो थोड़ा सोच समझ के बोलना, क्योंकि आपको रिश्ता लंबा चलाना है। अगर आपको रिश्ता आपका लंबा चलाना है और खुशहाल जिंदगी जीनी है, तो आपको ईगो को साइड में रखना होगा, कभी भी रिश्तों के बीच में ईगो को मत आने दो। अगर आपसे गलती हुई है तो आप सॉरी बोल दो, और सामने वाला अगर सॉरी बोलता है तो उसे माफ कर दो। वैसे कहा जाता है कि रिश्ते में नो सॉरी नो थैंक्स, प्यार में नो सॉरी नो थैंक्स, लेकिन जो सॉरी और थैंक्स जो दो वर्ड होते हैं ना, वो रिश्ते को बचा भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप रिश्ते को बचाना चाहते हो या खत्म करना चाहते हो। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप रिश्ते को बचाओ, सॉरी बोलो। जब आपका पार्टनर सॉरी बोलने से मान जाता है, माफी मांगने से मान जाता है, आपको माफ कर देता है, आपका रिश्ता बच जाता है सॉरी बोलने से, तो सॉरी बोलने में क्या जाता है। ईगो को साइड में रखो, सॉरी बोलो। अगर आपके पार्टनर ने आपको सॉरी बोला, तब भी आपको ईगो को साइड में रख के उसे माफ करना है और रिश्ते को बचाना है। फिर बात करते हैं कि कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो मेरे मन में चल रहा है मेरा पार्टनर खुद समझेगा। अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो आप ये सोचकर ना बैठो कि सामने वाला खुद समझ जाएगा। अगर वो नहीं समझ रहा है तो उसे बोल दो, उसे बता दो, और जो भी आपकी इच्छा, जो भी आपकी मांग है, आप उससे मांग लो। क्योंकि अगर आप इधर लेकर बैठे रहेंगे दिल में कि वो सामने वाला समझ जाएगा, और वो नहीं समझेगा,
तो फिर आपके मन में पता नहीं क्या क्या चलेगा और वही लड़ाई झगड़े होंगे। तो इससे बेटर है कि आप उससे जो भी चाहिए आपको मांग लो, अपनी इच्छा उसके आगे जाहिर कर दो। इससे काफी चांस कम हो जाते हैं लड़ाई झगड़े के। और ना ये भी कई बार देखा गया है कि कुछ कपल्स की क्या आदत होती है कि सामने एक ने माफी मांगी, दूसरे ने माफ कर दिया, सब कुछ नॉर्मल हुआ, पहले की तरह हो गया। लेकिन फिर पता है कभी कभी टोंट मारने लग जाते हैं, ताने मारने लगते हैं, उस गलती का जिक्र बार बार होता रहता है। ये सबसे गलत आदत है। अगर आपने सामने वाले को माफ कर दिया है तो उसको वहीं खत्म करो। एक दिन का झगड़ा उसी दिन निपटाओ, दूसरे दिन मत लेकर जाओ। क्योंकि जब कोई लड़ाई झगड़ा दूसरे दिन जाता है तो वो तीसरे दिन भी जाता है, चौथे दिन भी जाता है, लंबा चला जाता है। अगर उस झगड़े को आपने एक ही दिन में खत्म कर दिया तो वो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। सामने वाले से माफी मांगो, माफ करो, दैट्स इट, सब कुछ खत्म करो। दूसरे दिन कभी भी मत लेके जाओ। अगर आपको रिश्ता मजबूत बनाना है तो, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है तो ऐसे में ना रिश्ते आसान हो जाते हैं और रिश्ते में प्यार ज्यादा, लड़ाई झगड़ा कम होता है। और एक और चीज है सबसे खतरनाक, वो है शक, डाउट। ये जो शक है ना, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। जो एक बार अगर इंसान के दिल में शक गया तो रिश्ते कुछ टाइम के लिए अफेक्टेड नहीं होते, जब बल्कि वो लंबा खिंचता है। जो अगर एक बार शक आया इंसान के दिमाग में तो वो रिश्ते को कुछ टाइम के लिए इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि धीरे धीरे समय के साथ साथ ना वो उसको खोखला करता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके मन में कोई शक है तो आप क्लियर करो, अपने मन में मिसअंडरस्टैंडिंग को नहीं पनपने दो। अगर आपके मन में जो भी चल रहा है कुछ भी, तो आप शेयर कर सकते हैं, आप उस चीज को उस चीज से बात करके उस बारे में उस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मन में लेकर बैठे रहेंगे, बात नहीं करेंगे, तो इससे लड़ाई ही पनपेगी और कुछ नहीं होगा। और ना जो शक जो जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, वो बेवजह का शक ना कभी मत करना, क्योंकि इतनी बुरी चीज है ना शक की, अगर मतलब रिश्ता बिगाड़ेगी ही बिगाड़ेगी। तो शक को अंदर पनपने ही मत दो। जो भी बात है अपने पार्टनर से खुल के इस बारे में बात करो, बात को क्लियर करो, मन में कुछ भी मत रहने दो। इससे आपका रिश्ता लंबे समय तक चलेगा, नहीं तो कुछ दिनों में ही आपका रिश्ता टूट जाएगा। इन शॉर्ट में कहना चाहूंगी कि अगर आपको रिश्ता लंबा चलाना है तो एक दूसरे से माफी मांगो, एक दूसरे को माफ करो, ताने मत मारो, ईगो को साइड में रखो और शक को खत्म करो, अगर आपको खुशहाल जिंदगी जीना है तो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।